नीलामी के बाद कई टीमों को मिले हैं नए कप्तान और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में सभी 10 टीमों के कैप्टन्स की पूरी लिस्ट आपको बताने वाले हैं। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम न्यूज, फैक्ट, अपडेट, स्टोरी सबसे पहले हर रोज अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे अभी दबाइए अगर नहीं दबाया हो तो, और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिल्ली की टीम के साथ। दिल्ली के लिए खबर बुरी है, क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत 2023 का आईपीएल नहीं खेल वाले हैं और कारण आपको पता है, ये हिंदुस्तान के क्रिकेट की सबसे बड़ी त्रासदी भी आप बोल सकते हैं जिस तरह का एक्सीडेंट ऋषभ पंत का हुआ। लेकिन इस समय दिल्ली विकल्प खोज रही है और मिल गया है, डेविड वार्नर इनकी कप्तानी करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स इस साल डेविड वार्नर की कप्तानी में खेलेगी। इनके पास ऑलरेडी विकल्प तैयार था, 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को खिताब जिता चुके हैं एज ए कैप्टन डेविड वार्नर, तो बहुत सॉलिड विकल्प। दिल्ली और मजबूत हुई है कप्तानी के मोर्चे पर वार्नर के आने से, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको भी लगता है कमेंट बॉक्स में बताओ, डेविड वार्नर की कप्तानी को 10 में से अंक दे दो और दिल्ली के फैन हो तो लाइक कर दो इस वीडियो। आगे बढ़ते हैं दिल्ली के बाद, अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और खेमे में थोड़ा सा झांक लेते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी पक्की व्यवस्था कर ली है भैया। इनके साथ बहुत दिक्कतें थी, कैप्टन कौन होगा, ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ ये देख रहे थे। नीलामी में इनको मिल गया बेन स्टोक्स जो ड्वेन ब्रावो की जगह भी भर रहा है एज ए ऑलराउंडर, और इस समय महेंद्र सिंह धोनी को उत्तराधिकारी बन गए हैं। बिकॉज रिपोर्ट्स ये कंफर्म कर रही हैं कि आने वाले 3-4 सालों तक चेन्नई सुपर किंग्स प्लान कर रही है कि बेन स्टोक्स को बैंक आउट कर दिया जाए एज ए कैप्टन। तो भैया स्टोक्स इनके कप्तान होंगे। स्टोक्स की कप्तानी हमने इंग्लैंड के लिए देखी है, कुछ डोमेस्टिकली भी देखी है, बट आईपीएल में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लाइक कीजिए अगर आप भी चेन्नई के फैन हो और 10 में से रेटिंग दीजिए बेन स्टोक्स की कप्तानी को। आगे बढ़ते हैं, चेन्नई से सीधा मुंबई चल देते हैं क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम का ना तो कोई प्लान था कप्तान बदलने का नीलामी में, ना इन्होंने इस तरह की कोई कोशिश की, और रोहित शर्मा का कोई विकल्प शायद इस समय हिंदुस्तान की क्रिकेट में मौजूद नहीं है। आईपीएल के लेजेंडरी कप्तान आप इन्हें बोले तो किसी तरह की कोई शक और शुबा नहीं होगी, क्योंकि बंबई के लिए तो इन्होंने कारनामे बड़े करे हैं। रोहित शर्मा इनकी कप्तानी करेंगे 2023 के भी आईपीएल में। अब यार 10 में से रेटिंग आप रोहित शर्मा को दे दीजिए, कितनी देंगे आप? और अगर आप भी मुंबई के फैन हो, रोहित के फैन हो, तो वीडियो को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुंबई के बाद सीधी उड़ान भरते हैं कलकत्ते की। अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की बात करें तो केकेआर के लिए कई सवाल थे। पिछला आईपीएल जब खत्म हुआ था तो लड़ाई हुई थी श्रेयस अय्यर और इनके सीईओ वेंकी मैसूर के बीच, उसके बाद से लगातार सवाल थे कि शायद अब अय्यर को बाहर किया जाएगा, लेकिन अब नए कोच चंद्रकांत पंडित ऑक्शन के टाइम में कंफर्म कर चुके हैं कि इनको लीड श्रेयस अय्यर ही करने वाले हैं। तो केकेआर का जो कप्तान रहेगा 2023 में वो श्रेयस अय्यर रहेंगे। 10 में से रेटिंग दे दो भाई श्रेयस अय्यर को, मेरे हिसाब से तो तगड़े कप्तान है। और अगर आप भी कलकत्ते के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया हो तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहां से पंजाबियों की। पंजाब किंग्स की टीम के लिए नीलामी के बाद भी समस्या खत्म नहीं हो रही है। इस समय पंजाब किंग्स के अंतरिम कप्तान तो शिखर धवन है, बट रिपोर्ट्स और सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि सैम करन को ये इनका प्राइमरी कैप्टन बना सकते हैं। ये वही सैम करन की मैं आपको बता रहा हूं, बात कर रहा हूं, जो 18.5 करोड़ रुपए में बिके हैं, लेकिन इनके पास अभी भी रत्ती भर भी कप्तान का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन पंजाब किंग्स के सोर्सेस इस बात की तस्दीक करते हैं। आपको बता दूं कि पंजाब किंग्स का एक इतिहास रहा है कि ये जिस खिलाड़ी को महंगे दाम पर खरीदते हैं, ये उस खिलाड़ी को कप्तानी निकालने की भी पूरी तैयारी करते हैं कि इससे ही कैप्टेंसी करवा ली जाए। पिछले साल भी इन्होंने मयंक अग्रवाल को लगभग 14 करोड़ का रिटेंशन दिया और फिर मयंक अग्रवाल, जो कि अब तो खैर उनकी टीम में नहीं है, उनसे कप्तानी भी कराई। वही मयंक अग्रवाल जिनके पास आईपीएल में कप्तानी का खासा अनुभव नहीं था। तो पंजाब किंग्स ऐसा एक्सपेरिमेंट करती है, अब करण कप्तानी करेंगे इनकी तो 10 में से अंक आप दे दो और पंजाब के फैंस हो तो लाइक कर दो। पंजाब किंग्स के बाद अब राजस्थान चल देते हैं। अगर हम राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करें तो राजस्थान के पास करेंटली स्क्वाड में 3 विकल्प है। एक तो है इनके पास, इस साल इन्होंने जो जो रूट को खरीदा है वो जॉस बटलर, जो कि मेरे हिसाब से इनके कप्तान होने चाहिए, लेकिन 2023 में भी इनके कप्तान संजू सैमसन रहने वाले हैं। दरअसल संजू सैमसन को ही इनकी कप्तानी मिलने वाली है, ये कन्फर्म है। और भारतीय विकल्प में सबसे बड़ी चीज तो यह है, जॉस बटलर अगर इस साल 2023 में राजस्थान अच्छा नहीं खेली तो 2024 के लिए जॉस बटलर को
देखा जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो स्टाली बटलर को बना देना चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताओ। सैमसन की कप्तानी को 10 में से अंक दो, और राजस्थान रॉयल्स के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर दो। राजस्थान के बाद अब उड़ान भर लेते हैं हम लखनऊ की, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो प्रयोग किया था गौतम गंभीर की मेंटरशिप में वो बहुत तगड़ा साबित हुआ। केएल राहुल, जिनको इन्होंने 17 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से लिया हुआ है, इस साल इनकी कप्तानी करेंगे। पिछले साल और पिछले 3 सालों में केएल राहुल ने यह बता दिया है कि एज ए कैप्टन वो आईपीएल में बड़ा स्टेबलाइज अपने आप को कर चुके हैं, कर सकते हैं। आईपीएल में एक जमाना होता था जब सिर्फ विदेशी कप्तानों की ओर देखा जाता था, लेकिन इस लिस्ट में आप देखेंगे भारतीय विकल्प कहीं है, और केएल जैसे खिलाड़ियों ने अपने आप को स्टेबलाइज किया एज ए कैप्टन, ये बात में किसी को कोई दोहराई नहीं होगी। तो लखनऊ की कप्तानी केएल राहुल को 10 में से अंक दीजिए, और अगर आप भी केएल राहुल के फैन है, लखनऊ के फैन है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। यूपी से आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। 42 करोड़ रुपए नीलामी में लेकर गई सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, एक भी कप्तान को नहीं खरीद सकी, ये इनका बहुत बड़ा फेलियर था। इसको तो मैं 100% लिख कर दे सकता हूं, क्योंकि बेन स्टोक्स इनके खाते में लिखे होने थे जो कि नहीं है। सैम करन भी इनके पास नहीं है, केन विलियमसन भी इनके पास नहीं। खैर छोड़िए, अभी की स्थिति में एडन मार्करहाम इनके कप्तान रहने वाले हैं। रिसेंटली जो इनकी मिनी आईपीएल जो S20 लीग में इनकी जो टीम है ईस्टर्न कैप सनराइजर्स नाम की, उसमें इन्होंने एडन मार्करहाम को कप्तान बनाया है, और वहां से ये रिपोर्ट्स आ रही है कि सनराइजर्स हैदराबाद यहां भी एडन मार्करहाम को कप्तानी दे सकता है। देखो, अगर भविष्य देखकर दे रहा है और भविष्य में साउथ अफ्रीका की कप्तानी मार्करहाम को मिलती है तो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा, बट आज तो ये बहुत ही ओके एक्सपेरिमेंट ही लग रहा है। तो यार बताओ, 10 में से कितने नंबर दोगे एडन मार्करहाम को, और SRH के लिए हैदराबाद के अगर आप फैन हो तो लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। RCB की बात करें तो कप्तान तय है, लेकिन मुहाने पर खड़ाए जाने के फाफ डू प्लेसिस इनकी कप्तानी करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको फाफ डू प्लेसिस के बारे में जरूर बता दूं कि 38 साल के हो चुके हैं, और RCB को इनका विकल्प की तलाश थी, जो कि RCB के पास है भी नहीं, और RCB को नीलामी में मिला भी नहीं है। आने वाले समय में दिक्कत होगी, इस साल 2023 में तो फाफ डू प्लेसिस इनकी कप्तानी करेंगे, जो कि बहुत स्ट्रांग विकल्प इस साल तो नजर आ रहा है। तो भैया RCB के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और प्लेसिस की कप्तानी को 10 में से अंक कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बता दो। आगे बढ़ते हैं, सबसे आखिर में अब गुजरात टाइटंस की टीम की बात करते हैं, जो पिछले साल जीता था उसको सबसे नीचे रखते हैं ना। गुजरात टाइटंस के फैन हो तो लाइक कर दो, बड़ी फैन फॉलोइंग इनकी बढ़ रही है। भैया हार्दिक पांड्या इनके कप्तान होंगे विकल्प के रूप में, इनके पास केन विलियमसन भी मौजूद है, जो कि बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन ये हार्दिक पांड्या से ही कप्तानी कराएंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या में ना सिर्फ गुजरात टाइटंस नहीं, भारत की कप्तानी का भी भविष्य BCCI को तक दिख रहा है। तो जाहिर है गुजरात टाइटंस के पास स्ट्रॉन्ग कैप्टन है हार्दिक पांड्या। पिछले साल तक जो बहुत वीक कही जा रही थी टीम, पिछला खिताब और हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस और कप्तानी देखने के बाद इस साल शायद ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो गुजरात टाइटंस के लिए लाइक कीजिए और 10 में से अंक दीजिए पांड्या को। तो ये तो थी भैया 10 की 10 टीमें, और नीलामी के बाद सबके नए नए चेहरे, नए नए कप्तानी नाम। कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि इनमें से आपके हिसाब से किस टीम के पास सबसे तगड़ा कप्तान है, और किस टीम के पास सबसे कमजोर कप्तान है। कमेंट बॉक्स नीचे लिख दो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे दबा दो और बेल आइकन दबाओ।